हाय फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए एक पैन में 2 कटोरी पानी लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे आधी कटोरी चीनी। साथ ही में यहाँ ऐड कर देंगे 2 इलायची, तो इलायची मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। और साथ ही में यहाँ डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे। जब पानी में एक बॉईल आ जाएगा और चीनी घुल जाएगी तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पानी को साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में आधी कटोरी घी गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे आधी कटोरी सूजी। अब सूजी को रोस्ट कर लेंगे, तो सूजी को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें, हाई फ्लेम पे रोस्ट ना करें, नहीं तो ये एकदम से ही जल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी रोस्ट हो गई है, थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे भीगी हुई किशमिश और थोड़े से बादाम। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी वाला पानी जो हमने स्टार्टिंग में तैयार किया था। अब सूजी को चलाते रहें और गाढ़ा होने तक इसे पका लें। फ्रेंड्स, चीनी का पानी डालते ही आप सूजी को चलाते रहें, नहीं तो सूजी में गुठलियाँ बन जाएंगी। हलवे को गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी ली है और उसमें आधा कप ही घी डाला है और चीनी भी आधा कप ही डाली है और 4 गुना पानी यानी कि 2 कप पानी इसमें मैंने ऐड किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा गाढ़ा हो गया है। अब इसे गार्निश कर देंगे नारियल के साथ। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट हलवा बन के तैयार होता है। आप भी इस तरीके से हलवे को बना के ज़रूर देखें। जब भी मीठा खाने का मन हो तो इस तरीके से सूजी का हलवा बना के ज़रूर देखें। इसे आप किसी त्यौहार पर भी बना सकते हैं और नवरात्रों के प्रसाद के लिए भी इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।